मुंबई की न्यूरोजेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट आगामी 23 तारीख को रांची में एक निशुल्क शिविर का आयोजन करने जा रही है, जिसमें रीढ़ और हड्डी संबंधित रोगियों की जांच, उनके विकारों को ठीक किया जाएगा। एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था की डॉक्टर रिचा बंसोड ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रोगियों का इलाज मुंबई में किया जाएगा, जिसके लिए काफी कम शुल्क लगेगी। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के भी संस्था ट्रस्ट के माध्यम से इलाज कराती है। डॉक्टर रिचा ने झारखंड के अरविंद अंसारी से भी पत्रकारों को मिलाया, जो कभी रीढ़ की बीमारी के कारण चल नहीं सकता था। आज वो स्टेम सेल थेरेपी से पुनर्वास से अब चलने में सक्षम है। मैं बात करना चाहती हूँ डिसेबिलिटी के बारे में और उसका जो इलाज है, नया इलाज है स्टेम सेल थेरेपी, उसके बारे में। हमारे साथ है मिस्टर आबिद अंसारी, जिनको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी 4 साल पहले, और वो 1 साल पहले हमारे पास आए थे और हमने उनका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, और उसके बाद जो बिल्कुल बेड पर ही सीमित थे, बेड से उठ नहीं पाते थे, वो आज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े हैं और वॉकर की मदद से चल भी पा रहे हैं। इसका कॉस्ट करीब 2 से 2.5 लाख पड़ता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो पेशेंट जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हमने मना किया हो, क्योंकि उनको फिर ट्रस्ट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी मदद मिलती है, जिससे ये ट्रीटमेंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो कैंप कर रहे हैं 23 फरवरी को, इसीलिए कर रहे हैं कि जो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए तो उनको हम देख सकें, उनको ट्रीटमेंट क्या है वो सजेस्ट कर सकें, और फिर आगे उनकी मदद कर सकें कि उनको स्टेम सेल की थेरेपी की जरूरत हो तो हम